अब होगी इन दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाली रेस, देखते हैं कौन जीतता है। ओह माय गॉड, ट्रैक्सस एक्समैक्स तो बोट के ऊपर से निकल गई यार। इसकी स्पीड देखो कितनी खतरनाक तरीके से ये चल रही है। यहाँ पे बोट आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अचानक से यार जैसे ही मैं ट्रैक्सस एक्समैक्स को टर्न कराने की कोशिश कर रहा था, अचानक से ट्रैक्सस एक्समैक्स की स्पीड बहुत कम हो गई थी। इस कारण ट्रैक्सस एक्समैक्स आधे तालाब में जाने के बाद देखो यार डूबने लगी थी। यहाँ पे मेरा दिमाग खराब होने लगा था क्योंकि ट्रैक्सस एक्समैक्स धीरे धीरे करके पानी के अंदर डूब रही थी। हम लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि भाई यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गहरा था। थोड़ी देर हमने वेट करके भी देख लिया था, उसके बाद तो भाई यहाँ Hey guys, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि ट्रैक्सस एक्समैक्स की रेस कराने के लिए पानी के ऊपर एक बहुत ज्यादा फास्टेस्ट आरसी बोट के साथ। पिछली बार ये ट्रैक्सस एक्समैक्स बहुत अच्छे तरीके से पानी के ऊपर चल रही थी क्योंकि मैंने इसके अंदर पैडल व्हील्स लगा दिए थे। आज मैं इसकी रेस कराने वाला हूँ एक बहुत ज्यादा फास्टेस्ट बोट के साथ। गाइस, मेरे पास इससे ज्यादा फास्टेस्ट बोट कोई भी नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये रही गाइस टाइगर शार्क बोट। इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है और ट्रैक्सस एक्समैक्स की भी स्पीड पानी के ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तक जा सकती है। एक और कार भी है, मैंने इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं। ये है आर्मा क्रेटन, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी कर रखे हैं गाइस, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो एक और कार भी है मेरे पास, ये है टाइफून आरसी कार। इसके भी ऊपर देख लो बिल्कुल ट्रैक्सस एक्समैक्स जैसे ही पैडल व्हील्स लगे हुए। आज इसको भी पानी के ऊपर चलाने के लिए कोशिश करेंगे गाइस, देखते हैं क्या ये कार पानी के ऊपर चल पाती है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले ट्रैक्सस एक्समैक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो पिछली बार मैंने इसके अंदर पैडल व्हील्स इंस्टॉल किए थे, इस बार देखो यार नॉर्मल व्हील्स के साथ ही ये कार को रखा है ताकि ये कार ऑफ रोड व्हील्स में भी कितनी ज्यादा तगड़ी दिखाई देती है। ये देखो ऑफ रोड वाले व्हील्स में भी ये कार ब्लैक कलर में बहुत ज्यादा तगड़ी नजर आती है। जब मैंने ट्रैक्सस एक्समैक्स को खरीदा था इस तरह की दिखाई दे रही थी। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ट्रैक्सस एक्समैक्स क्या रेड एंड ब्लैक कलर में अच्छी दिखाई दे रही है या फिर मैट ब्लैक में अच्छी दिखाई दे रही है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। आने वाले दिनों में मैं ट्रैक्सस एक्समैक्स के अंदर और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने वाला हूं, जैसे कि इसकी मोटर भी चेंज करके इसके अंदर एक बहुत बड़ी मोटर लगाने वाला हूं। मॉडिफिकेशंस करने के बाद गाइस ट्रैक्सस एक्समैक्स को बिल्कुल भी पहचान नहीं सकोगे। ये लो अब अनबॉक्स करते हैं आर्मा क्रेटन को। इसकी टॉप स्पीड 60 माइल्स पर आवर तक जा सकती है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 के ऊपर इसकी स्पीड बहुत आराम से पहुंच जाती है। बॉक्स को यहां से मैं खोल लेता हूं। इसका प्राइस है लगभग 90,000 रुपीज। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो आर्मा क्रेटन को भी खरीद सकते हो या फिर ट्रैक्सस एक्समैक्स को भी खरीद सकते हो। पिछली बार जब मैं इसको चला रहा था इसका सर्वो भी खराब हो गया था, ये रहा पुराना वाला सर्वो, मैंने इसका सर्वो भी चेंज कर दिया है। इसका एक सर्वो गाइस 5,000 रुपीज में आता है। ये लो गाइस आ गई हमारी आर्मा क्रेटन बॉक्स के अंदर से बाहर। ये कार रोड पे और ऑफ रोड में बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। सामने से इसका लुक बहुत ज्यादा गजब का है। यहाँ पे पीछे की तरफ एक बहुत ही कमाल की चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख लो गाइस, ये है इसका व्हीली बार। यहाँ पे व्हीली बार के अंदर मैंने स्प्रिंग्स भी लगवाए हैं। ये एक बहुत ही अलग किस्म का व्हीली बार है। आर्मा क्रेटन और स्लेच के साथ व्हीली बार नहीं आता है, ये व्हीली बार मैंने सेपरेटली इसके अंदर खरीद के लगाया है। देखते हैं गाइस आर्मा क्रेटन कितनी दूर तक व्हीली कर पाएगी। अब अनबॉक्स करते हैं टाइगर शार्क बोट को। आप तो यहां से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये बोट आ जाती है WL टॉयज की तरफ से, आपको पता होगा WL टॉयज की चीजें कितनी ज्यादा सुपर फास्ट होती है। अब एक और चीज दिखाता हूं, ये है इसका रिमोट कंट्रोल। यहां पे एंटीना भी दिया गया, यहां पे चार बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये दिखने में बिल्कुल WL टॉयज रिमोट जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। अगर मैं ट्रैक्सस एक्समैक्स को क्रेटन के साथ कंपेयर करूं तो इन दोनों के बीच में साइज का फर्क बहुत ज्यादा दिया गया है। ये टाइफून भी मैं इसके साइड में रख के आपको दिखा देता हूँ। देखो यार टाइफून तो यार इसके सामने बच्चा लग रहा है, एकदम छोटा सा। तो चलो गाइस अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। और आज ये भी देखेंगे ट्रैक्सस एक्समैक्स क्या ये बोट को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। लेट्स गो। सबसे पहले ये टाइगर शार्क बोट कितनी स्पीड से चल सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने हाफ हर्डल प्रेस किया है। इसकी स्पीड देखो यार इतनी ज्यादा गजब की है कि ये बोट पानी के ऊपर से हवा में उड़ने लगी है। इससे ज्यादा तेज बोट मेरे पास दूसरी बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रोपेलर कितना ज्यादा पावरफुल है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने फुल हर्डल प्रेस कर दिया है। ये प्रोपेलर इतनी स्पीड से घूम रहा है कि अगर यहाँ पे मेरी उंगली भी लग जाना है दो टुकड़ों में कट सकती है, इतनी ज्यादा स्पीड से चलती है ये बोट। इसके अंदर भी लगे हैं पैडल व्हील्स।
अब देख लो यार, तो चलो अभी इसको चलाते हैं पानी के ऊपर, देखते हैं गाइस ये कार चलती है। इसको मैंने अभी किनारे पे रख दिया, एक काम करते हैं और थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं ताकि ये कार अच्छी खासी स्पीड गेन्स कर सके। यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही चलाने की कोशिश की है, ये कार पानी के ऊपर थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पे डूबने लगी है। भाई ये कहीं पूरी की पूरी डूबना चाहिए। एक काम करते हैं फटाफट से मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा तरीका यूज करने वाला हूँ इसको पानी के ऊपर चलाने के लिए। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से चलाने के लिए देखेंगे गाइस। अब देखो फुल स्पीड में चल रही है। ये देखो कार फिर से डूबने लगी है। इसको मैं निकाल ही लेता हूँ यार, मेरे को नहीं लगता ये पानी के ऊपर चल पाएगी क्योंकि मोटर के अंदर बहुत ज्यादा पावर। ओके आप कराते हैं इन दोनों के बीच में रेस। अरे यार ट्रैक्सोस एक्स मैक्स के मैं व्हील चेंज करना भूल गया था। एक काम करते हैं ये व्हील्स निकाल कर इसके अंदर लगाते हैं, पैडल वाले व्हील्स ये रहे। मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और पूरी तरीके से फिट कर दिया है। बोट को मैंने यहाँ पे रख दिया और ट्रैक्सोस एक्स मैक्स को यहाँ पे रख दिया। अब होगी इन दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाली रेस, देखते हैं कौन जीतता है। ओह माय गॉड, ट्रैक्सोस एक्स मैक्स तो बोट के ऊपर से निकल गया। इसकी स्पीड देखो कितनी खतरनाक तरीके से ये चल रही है। यहाँ पे बोट आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर अचानक से यार इसके अंदर कुछ तो दिक्कत आ चुकी है। इसके ऊपर का एक पार्ट गायब मेरे को लग रहा है गाइस। अब मेरे को समझ में आ रहा है जैसे ही मैंने इन दोनों को चलाया यार, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये मैं आपको रिप्ले भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो यार इसका कुछ तो टूटा यार, एक बार मैं आपको रिवर्स करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस ट्रैक्सोस एक्स मैक्स इसको रौंद के चली गई थी यार इसके ऊपर से। अच्छा इसका स्पॉइलर पूरी तरीके से टूट गया था यार, इस कारण ही ट्रैक्सोस एक्स मैक्स का पीछे का व्हील बहुत ज्यादा वोबल करने लगा था। यहाँ से जैसे ही मैं ट्रैक्सोस एक्स मैक्स को टर्न कराने की कोशिश कर रहा था, अचानक से ट्रैक्सोस एक्स मैक्स की स्पीड बहुत कम हो गई थी। इस कारण ट्रैक्सोस एक्स मैक्स आधे तालाब में जाने के बाद देखो यार डूबने लगी थी। यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट करने की बहुत कोशिश भी करके देखी यार, फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। सिर्फ इसके चार व्हील्स नजर आ रहे थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान भी आ चुका था, बहुत ज्यादा बरसात भी हो रही थी। मैं और मेरा भाई अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे यार, हम लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि भाई यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गहरा था। थोड़ी देर हमने वेट करके भी देख लिया था, उसके बाद तो भाई यहाँ पे मेरा दिमाग खराब होने लगा था क्योंकि ट्रैक्सोस एक्स मैक्स धीरे धीरे करके पानी के अंदर डूब रही थी। पहले तो इसके चार व्हील्स नजर आ रहे थे, अब इसके सिर्फ यहाँ पे एक व्हील नजर आ रहा था क्योंकि इसके व्हील्स के अंदर पानी भरने के कारण ये धीरे धीरे करके पानी के अंदर डूब रही थी। उसके बाद जैसे तैसे मेरे भाई ने हिम्मत करके एक लकड़ी ढूंढी और लकड़ी पकड़ कर ये धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा था। इसके पीछे पीछे मैं भी अंदर जा रहा था यार। फिर हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढूंढा यार ये कार को, हम लोगों को ये कार बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा सा मैला था बरसात गिरने के कारण। देखो यहाँ पे मैंने कैमरा भी अंदर डाल के देखा यार, पर कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। बहुत देर से परेशान हो चुका हूँ यार, आधे घंटे से पानी के अंदर ढूंढ रहा हूँ पर कार कहीं पे भी मिल नहीं रही है मेरे को। देखो मेरा भाई तो डूब चुका है यहाँ पे। मिल गई यार। हाँ? भाई बोट निकल गई। ओह माय गॉड भाई साहब मजा आ गया यार, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था यार जब से। आप सोचो गाइस इतनी महंगी कार अगर डूब जाए तो भाई कितना बुरा लगेगा। ओके गाइस इसको पानी में से मैं पूरी तरीके से बाहर लेके आ चुका हूँ, अब इसको ऑन करके देखते हैं ये ऑन हो पा रही है या नहीं। पूरा का पूरा पानी घुस चुका है यार इसके अंदर, यहाँ से इसको निकालते हैं। ओह भाई बैटरी का कनेक्शन तो ठीक ठाक है यार, बैटरी में जरा भी पानी नहीं गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से टेप लगा रखा था। ऑन करते हैं इसको। ओह माय गॉड गाइस देखो ऑन हो चुकी है भाई, इतना पानी जाने के बावजूद भी। अब थोड़ा सा इसको चला के भी देखते हैं क्योंकि यार पानी जाने के कारण जो है इसके व्हील्स काफी ज्यादा भारी हो गए हैं मेरे को ऐसा लग रहा है। चला दे। ओ भाई अबे रुक जा, अबे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई रुक जा, ये बहुत ज्यादा वोबल कर रही है। ओ भाई देखो गाइस इसके जो व्हील्स है ना इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी जा चुका है, इसलिए मेरे को लग रहा है ये पूरी तरीके से शेक होने लग रही है। तो पहले इसके व्हील्स खोल के इसका पानी निकालते हैं। एक व्हील मैं आपको खोल के बता देता हूँ यार, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर पानी गया है क्या, क्योंकि इसके अंदर स्पॉन्ज होता है, मेरे को लग रहा है स्पॉन्ज सारा का सारा पानी सोख चुका है। ये व्हील भी जाम हो गया पूरी तरीके से। यहाँ पे एक होल है, ये होल के अंदर से सारा का सारा पानी इसके अंदर घुस चुका है चारों व्हील्स के अंदर, इस वजह से मेरे को लग रहा है गाइस अब ये इस तरह से वोबल करने लगी है, इसीलिए इसका वेट बढ़ने के कारण ये डूब गई थी यार। अब ये व्हील चेंज करके इसको रोड के ऊपर से लाएंगे और क्रेटोन के साथ इसकी फाइट कराएंगे, देखते हैं आज क्रेटोन जीतती है या फिर एक्स मैक्स जीतती है। आने वाले दिनों में मैं इसको फिर एक बार टेस्ट करूंगा और इसकी रेस भी कराऊंगा गाइस बोट के साथ, देखते हैं
नेक्स्ट टाइम ये चल पाती है या नहीं। अभी व्हील्स को मैंने खोल दिया है, अभी मैं इनको थोड़ा सा सुखाऊंगा यार। ट्रैक्सस एक्स मैक्स को मैं लेके जा ही रहा था क्रेटोन के साथ फाइट कराने के लिए, पर उतने में ही यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफानी बरसात स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मेरे को रुकना पड़ा था। अगर आपको याद होगा तो ट्रैक्सस एक्स मैक्स को मैंने पानी के ऊपर भी आपको चला के बताया था ये पानी के ऊपर कितने अच्छे तरीके से तैर सकती है, और मैंने इसकी रेस भी करा के आपको बताई थी सर्फिंग बोर्ड के साथ। इसने तो यार सर्फिंग बोर्ड को ही पानी के ऊपर हरा दिया था। ये सर्फिंग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के ऊपर तैर सकती है। गाइस ट्रैक्सस एक्स मैक्स इतने अच्छे तरीके से पानी के ऊपर चलेगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी टक्कर के कारण। एक और चीज भी मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसको पहली बार पानी के ऊपर चला रहा था वहां पे भी मेरे से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई थी, उस वक्त भी ये पानी के अंदर इसी तरीके से डूबने लगी थी जैसे कि आज ये डूबी है। तो उस वक्त भी मैं जैसे तैसे करके इसको पानी के अंदर से लेके आया था, जैसे इसकी स्पीड 100 से नीचे होने लगती है तो ये अचानक से पानी के अंदर डूबने लगती है। उसके बाद मैं सीख गया था यार इसको किस तरह से पानी के ऊपर चलाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम इसकी स्पीड 100 के ऊपर रखते हैं तो यार ये पानी के ऊपर एकदम मक्खन की तरह तैरने लगती है, जैसे कि एक आरसी बोट तैरती है। भाई ये ट्रैक्सस एक्स मैक्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक बार मैं इसकी लड़ाई स्लेज के साथ करा रहा था, तो स्लेज के बीच में इसके बीच में मैंने बहुत ज्यादा 4 डोरों वाली रस्सी बांध के रखी थी यार। ये ट्रैक्सस एक्स मैक्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि यार इसने तो भाई वो 4 डोरों वाली रस्सी को ही तोड़ के रख दिया था। यहाँ पे देखो यार रस्सी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि यार मैं एक डोर वाली रस्सी यहाँ पे नहीं तोड़ पा रहा था। ये ट्रैक्सस एक्स मैक्स कितनी ज्यादा पावरफुल है मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। एक बार मैं इसकी फाइट नोटोरियस के साथ करा रहा था, इसके अंदर तब मैंने पैडल वाले व्हील्स लगा रखे थे, ये व्हील्स सैंड में और पानी के ऊपर चलाने के लिए ही बनाए जाते हैं। उस वक्त भी भाई इसने नोटोरियस को काफी आराम से धूल चटा के रख दी थी। यहाँ पे देखो नोटोरियस की हालत और एक्स मैक्स की हालत कैसी हो गई थी। ट्रैक्सस एक्स मैक्स के साथ मैंने एक बहुत ज्यादा खतरनाक वाला टेस्ट भी करके देखा था। ये तीनों कार्स को एक साइड बांध दिया था और इनके अंदर 3S बैटरी लगा दी थी और एक्स मैक्स को दूसरी तरफ बांध दिया था। यहाँ पे भी एक्स मैक्स ने यार ये तीनों पावरफुल आरसी कार्स को चुटकी बजाते ही हरा के रख दिया था टग ऑफ वॉर में। इसी बात से पता चलता है कि गाइस एक्स मैक्स दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल आरसी कार है। आज तक भाई कोई भी कार पैदा नहीं हुई है जो कि एक्स मैक्स को हरा सके टग ऑफ वॉर में या फिर पुशबैक में। तो गाइस आने वाले दिनों में मैं ट्रैक्सस एक्स मैक्स को और थोड़ा सा अपग्रेड करने के बाद इसको पानी के ऊपर चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो गाइस अभी मैं देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है नवीन, अमरिंदर, प्रदीप, अर्षद, मानिक, देविका नंदन, अनिरुद्ध, संजय, साई गणेश, हिमांशु। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।